नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका वीकेएस फिजिक्स एकेडमी में। जैसा कि आप जानते हैं, क्वांटम फिजिक्स के अंदर यूनिट नंबर 3 के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने त्रिविमीय बॉक्स के अंदर पार्टिकल किस प्रकार से मोशन करता है, उसके आइगेन मान क्या आते हैं और आइगेन फलन क्या आते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, जो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा था। आज हम बीएससी बीएड यूनिट नंबर 3 के लेक्चर नंबर 4 के अनुसार पार्ट नंबर 2 में ये चर्चा करेंगे कि जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनमें डी जनरेसी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है, किस प्रकार से उनकी अपभ्रष्टता होती है, क्या उनकी कोटि होती है और कैसे हम ऊर्जा स्तरों को अपभ्रष्टता की कोटि के साथ दिखाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके, सभी को नोट्स जो है वो प्राप्त हो सकें और सभी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रख सकें। तो हमारा टॉपिक है ऊर्जा स्तरों की अपभ्रष्टता, डी जनरेसी ऑफ एनर्जी लेवल्स। चूँकि विभव बॉक्स में कण की गति संभावित ऊर्जा पूर्णांकों N1, N2 और N3 पर डिपेंड करती है। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आपको दिया गया है। जो हमने ऊर्जा की इक्वेशन ज्ञात की थी प्रीवियस वीडियोस के अंदर, उसमें हमने ये ज्ञात किया था कि E=E1 N1² प्लस N2² प्लस N3², ये ऊर्जा आइगन वैल्यू हमारे पास आए थी। ऊर्जा की समीकरण हमने ऐसे ज्ञात की थी, जो लास्ट वीडियो मैंने पार्ट फर्स्ट बनाया था उसमें 14 नंबर इक्वेशन ये अपनी थी। अतः एक ही ऊर्जा स्तर के लिए N1, N2, N3 के एक से अधिक समुच्चय प्राप्त हों तो इसे आप अपभ्रष्टता कहते हैं। क्योंकि हमारी इक्वेशन में E=E1 N1² प्लस N2² प्लस N3² इस प्रकार से इक्वेशन आती है। तो एक ही ऊर्जा स्तर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें N1, N2 और N3 की वैल्यूज हमें पुट करनी पड़ेंगी, जो पूर्णांक होते हैं। तो इनकी अलग अलग वैल्यू के साथ हम एक सेट प्राप्त करते हैं, समुच्चय प्राप्त करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पर जो E की वैल्यू आती है वो E1 के मल्टीप्लाई में आती है। यह ट्रिपल आ सकती है, 6 गुना आ सकती है, 9 गुना आ सकती है, ऐसे अलग अलग एनर्जी लेवल हमें प्राप्त होते हैं। और इसे क्या कहेंगे हम, अपभ्रष्टता कहते हैं, डी जनरेसी कहते हैं। तथा एक ऊर्जा स्तर में N1, N2, N3 के कुल समुच्चयों की संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाती है। यानी किसी एक ऊर्जा स्तर के लिए जो N1, N2, N3 के मान होंगे, उन मानों के अकॉर्डिंग जो समुच्चय हम बनाएंगे, उन समुच्चयों की जो संख्या है वो संख्या अपभ्रष्टता की कोटि कहलाएगी। अगर 3 समुच्चय बन रहे हैं तो कोटि हो जाएगी 3, 4 बन रहे हैं तो हो जाएंगे 4, जितनी भी संख्या में समुच्चय बने तो वो क्या कहलाएगी, उनकी कोटि कहलाएगी। यदि किसी ऊर्जा स्तर के अपभ्रष्टता की कोटि को जी से दर्शाएं तो वह स्तर जी गुना अपभ्रष्ट कहलाता है। यानी जितनी उसकी कोटि है उतना ही गुना वो अपभ्रष्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊर्जा स्तर ई यहाँ पे दिखाया गया है, N1, N2, N3 के समुच्चय यहाँ पे दिखाए गए हैं और इस बॉक्स में है अपभ्रष्टता की कोटि। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी इक्वेशन नंबर 14 थी लास्ट वाले वीडियो में, उसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे N1, N2, N3 की। तो जब हम N1 का मान 1, N2 का मान 1 और N3 का मान 1 पुट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, E=E1 N1² प्लस N2² प्लस N3² इस प्रकार से इक्वेशन थी। तो E=बराबर क्या आएगा, E1, N1 की वैल्यू 1 पुट करेंगे, N2 की 1 और N3 की 1, स्क्वेयर करेंगे तो सभी का एक एक रहेगा, यानी कितने हो जाएंगे 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएंगे, 3E1। और ये एक ही सेट हमारे पास है, एक समुच्चय हमारे पास है इनका, तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, 1 हो जाती है। इसी प्रकार से जब हम 1 और 2 को इंक्लूड करते हैं तो हमारे पास देखिए कितनी आती है, 1, 1, 2, यानी कि यहाँ से अब जब हम समीकरण मान रखेंगे तो 2 दूनी हुई 4 प्लस 1² 1 प्लस 1² 1, यानी कितने हुए, 4 और 2 6, तो 6E1 हो जाती है। तो यहाँ से कितने सेट प्राप्त होंगे, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, इस प्रकार से समुच्चय आप इनके बना सकते हैं। तो यहाँ पे समुच्चयों की संख्या 3 है तो कोटि हो जाएगी 3। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आगे भी देख सकते हैं कि अगर आप 2, 2 और 1 लेते हैं कोऑर्डिनेट, यानी N1 का मान 2, N2 का मान 2 और N3 का मान 1 लेते हैं, तो आपके पास आएगा 9E1। और इसी प्रकार से 3 समुच्चय आप बना पाएंगे तो कोटि हो जाएगी 3। अगर आप तीनों ही कोऑर्डिनेट
टू टू और टू लेते हैं, यानी एन वन का मान दो, एन टू का मान भी दो और एन थ्री का मान भी दो लेते हैं, तो आपके पास कितना आता है, देखिए 12 इवन आएगा, ऊर्जा स्तर यहाँ पे 12 इवन आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप ए कोऑर्डिनेट को 3 लेते हैं तो आपके पास एनर्जी लेवल है वो कम आता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 को पहले इंक्लूड किया है। तो 3 1 1 1 3 1 या 1 1 3, ये 3 समुच्चय हमारे पास प्राप्त होते हैं जिनसे 11 इवन एनर्जी अपने को प्राप्त होती है। समुच्चयों की संख्या है 3, तो कोटि हो जाएगी 3। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 इवन जब हमें प्राप्त होता है तो एक ही समुच्चय से ये प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसकी कोटियों संख्या है 1। जब हमें प्राप्त करना हो 14 इवन, तो इसका मतलब 1 2 और 3, ये आपको कोऑर्डिनेट यहाँ पे लेने पड़ेंगे, यानी एन वन का मान 1, एन टू का मान 2, एन थ्री का मान 3। जब आप वैल्यू पुट करेंगे समीकरण में तो 1 का स्क्वेयर 1 आएगा, 2 की स्क्वेयर 4 और 3 की स्क्वेयर कितनी हो जाएगी 9, यानी 9 और 4 13 प्लस 1 14, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा E=14 इवन। और इनके कोऑर्डिनेट समुच्चय कितने बन जाएंगे इनसे, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 और 3 2 1, इस प्रकार से 6 समुच्चय आप बना सकते हैं, तो यहाँ पर कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाती है। इसी प्रकार से आप डिजिट को चेंज करते हुए, जैसे 3 2 2 से हम क्या बना सकते हैं, 17 आ जाएगा, फिर 4 1 1 से क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 3 3 1 से क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 1 2 4 से क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। जितने समुच्चय आप बना पाएंगे उसके अनुसार उसकी कोटियों की संख्या यहाँ पर आ जाती है। तो अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आप जब इसको देख रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो ऊर्जा स्तर है वो कैसे हम दिखाएंगे ग्राफ के अनुसार, कण के ऊर्जा स्तर और ऊर्जा स्तरों में अपवृष्टता की कोटि, यानी एक तरफ आपको ऊर्जा स्तर बताना है, एक तरफ कोटि यहाँ पे दिखानी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये तो आपका ग्राउंड स्टेट हो गया, जो E बराबर आप E1 लेते हैं वो E1 पहले ही कंडीशन में 3 E1 के बराबर आता है, यानी आपकी कोटि जब N का मान 1 होता है तीनों के लिए, तो यहाँ से स्टार्ट होगी 3 E1 से। फिर आपके पास आता है 6 E1, जब आप 3 वैल्यू पुट करते हैं तो आता है 6 E1। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे कोटियों की संख्या दिखाई गई है, ये जैसे पहले कोटियों की संख्या 1 है, फिर 3 है 3 है 3 है 1 है 6 है 3 है 3, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 E1 6 E1 9 E1 11 E1 12 E1। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा नोट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर गैप जो है वो कम दिखाया गया है, इनमें सभी में 3-3 का डिफरेंस है। एक मैथमेटिकली तरीका आपको बताऊं तो इनमें 3-3 का डिफरेंस है, तो ये जो ऊर्जा स्तर का गैप है वो लगभग सभी में क्या रहेगा, सेम रहेगा। जब इसमें 1 का गैप आएगा, 11 के बाद 12 है, तो यहाँ पर हमने ऊर्जा स्तर का जो गैप है वो कम दिखाया है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 12 और 14 में 2 का गैप है, तो इसलिए इसकी तुलना में यहाँ पर गैप हमने कम दिखाया है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, जो डिजिट के अंदर जो गैप है उसके अकॉर्डिंग आप ऊर्जा स्तर को यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अलग अलग ऊर्जा स्तर हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कोटियों की संख्या यहाँ पर हो जाती है। तो ये था हमारे पास त्रिविमीय बॉक्स के अंदर किस प्रकार से हमारे अपवृष्टता की कोटि होती है, ऊर्जा स्तरों में कैसे हमें ग्राफ बनाना है। तो वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।